नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवे गांव का मामला प्रकाश में आया है। नवे गांव निवासी दुलीचंद पिता तातोबा राउत उम्र 40 वर्ष, ग्राम के निवासी घासीराम बिरनवार के खेत में बेहोशी एवं अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। मीडिया के द्वारा परिजनों से पूछताछ की गई तो परिजनों ने बताया कि दुलीचंद राउत 8 सितंबर को घासीराम बिरनवार के साथ शाम 7 बजे करीब घर से खेत गया था, जो कि उस रात को घर नहीं लौटा। दूसरे दिन 9 सितंबर को पता चला कि घासीराम के खेत में एक व्यक्ति गिरा हुआ है। जो हमने जाकर देखा तो वहां दुलीचंद बेहोशी एवं अर्धनग्न अवस्था में गिरा हुआ था। परिजनों ने बताया कि बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल द्वारा उठाकर 4 बजे घर लाया गया एवं थोड़ी देर बाद मौत हो गई। 9 सितंबर को रात्रि 8 बजे करीब परिजनों द्वारा थाना खैरलांजी में घासीराम बिरनवार के नाम से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं थाना खैरलांजी से 10 सितंबर को प्रातः 7 बजे सुभाष ठाकुर एएसआई ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। सवाल यह उठता है कि मृतक के परिजनों द्वारा नामजद रिपोर्ट करने के बावजूद पुलिस द्वारा अभी तक अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात शव को रात्रि में ही पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में क्यों नहीं लिया गया, मामला संदिग्धता के घेरे में नजर आ रहा है। क्या नाम है? उदित्य चौधरी। कहाँ रहते हो आप? नए गाँव। ये मृतक कौन है? ये मेरा काका जी। अच्छा, तो कैसा क्या मामला है? ये मालूम नहीं जी, अब खेत में गए थे हमारे, मैं घर को पहुँचा तो नानी पता नहीं लग गई या नाना नहीं आलम हूँ, तो फिर मैंने पूछा इधर उधर सुने को, फिर इनके भाई को पूछा, मैंने बोला कहाँ है, तो फिर वो बोले खेत में है, बोले डगाल के लिए गए थे जी बोले, तो फिर वो दिखा नहीं, तो फिर हम ढूंढने गए, चिल्लाते गए मैं खेत तक, फिर पड़ती तरफ गए नहर तरफ, फिर उधर गिरा हुआ दिखा। किसके खेत में? वो घासी बिरनवार के खेत में। अच्छा, किसी स्थिति में था? हाँ, इसमें था। कैसी स्थिति? मतलब यानी कि पूरे कपड़े नहीं थे, होश नहीं था कुछ, नग्न अवस्था में। हाँ, कपड़े नहीं था सर? नहीं था, एक भी नहीं था, ना होश भी नहीं था कुछ भी। फिर उसको गाड़ी में बैठा लुटा के लाए हम, फिर घर में ला के उसको घर में खटे में सुला दिए, फिर डॉक्टर को फोन किए, फिर टोसन डॉक्टर को फोन किए ना, वो फिर आए। चोट के निशान है क्या बॉडी पे? नहीं, जब वहाँ से हमने उठाया, जब वो खरोच थी, कचरे उचरे की रहती है वो थी। क्या नाम है आपका? प्रदीप राउत। मृतक कौन है तुम्हारा? पापा जी। क्या नाम है मृतक का? दुलीचंद जी राउत। कैसा, क्या घटना घटी? खेत गए थे, खेत से आए। कब गए थे खेत? 7:30 बजे शाम के। 8 तारीख को। कौन सी तारीख? 8 तारीख को। हाँ। कितने बजे खेत गए थे? 7 बजे, 7:30। कब पता चला तुमको? हमारे को सुबह पता चला। कितने तारीख को? 9 तारीख। 9 तारीख को वो पता चला। तो आप लोग किस खेत गए? खेत में नहीं गया, मेरे को मालूम नहीं था उसके समय। छोटा वाला आया तो उसने बताया, बोलते डगाल लेके आ रहा होगा। उसके लिए मैं अपने काम पे निकल गया, फिर उधर अपने काम पे आया तो उधर बताने बैठे कि पापा की बहुत तबीयत खराब है। देख, मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो भी वापस ही आया गाड़ी पीछे में, गाड़ी खड़ी किया, उतने घर को गया तो इन्हें थोड़े से चले। तो तुम्हारे पापा जी को घर ला लिए थे क्या? हाँ। तो डेट कितने बजे हुई? डेट हुई तो वहाँ खेत में सो गई थी, उधर से यानी लास्ट एक्सप्रेस के। एफ आई आर कब दर्ज की गई? शाम को 9 बजे। 9 बजे किसके द्वारा की गई? किसी का नाम डाले हो? हाँ, डाले ना अपने। किसी का नाम से डालो क्या रिपोर्ट? हाँ, डाले ना। किसका नाम है? काशी बिरनवार। काशी बिरनवार। नवेगांव ग्राम का एक मामला आया है जिसकी विवेचना आपके द्वारा की जा रही है, दुलीचंद राउत वाला। क्या मामला है सर पूरा? इसमें उसका लड़का प्रदुम ने थाना आके कल शाम को रिपोर्ट लिखाया, रात में, प्रदुम राउत ने, कि मेरा पिता दिनांक 8 तारीख को शाम को चला गया था खेत घासीराम के, और वहाँ से रात में वापस नहीं आया। दूसरे दिन 9 तारीख को उसके उसके पिता को घासीराम को उसके पिता दुलीचंद को घासीराम और उसके भाई द्वारा, भाई सुशील के द्वारा लाकर घर में छोड़ा गया, जो उस समय उसको बेहोशी हालत में था और कुछ क्या कहते करीबन आधा पौन घंटा जिंदा रहा, उसके बाद मृत्यु हो गई। तो इसमें मर्ग
कायम किया गया है। मर्ग कायम करने के पर मर्ग क्रमांक 43/32 कायम कर जांच में लिया गया है। जांच पंचनामा कार्रवाई की गई उसमें, तो उसमें भी यही निष्कर्ष में आप पहुंचे हैं और उसको पीएम कराया गया है। तो पीएम में जो भी निकलता है तो उसमें अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उनका परिवार का आरोप है कि जो डुली चंद है उसकी संदिग्ध स्थिति थी खेत में, यानी नग्न अवस्था में था सर, उस बारे में कुछ नहीं? अभी उसकी जांच का विषय है, आने वाले समय में जो जांच में आएगा तो क्या कहते हैं उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी शोकाकुल था परिवार, इसलिए उनने कथन भी नहीं दे पाए। उसकी पत्नी ने, लड़कों के कथन हुए हैं, दोनों लड़कों के, उसके प्रदुम के और सुशील के हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसा संदेह व्यक्त नहीं किया गया। जबकि जानकारी भी ली गई कि मतलब कोई शक सुभा हो, लेकिन संदेह नहीं व्यक्त किया गया। पीएम करवाया गया है, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो भी जांच रिपोर्ट में पाया जाएगा और जो भी जांच के दौरान संदेह की परिस्थिति बनती है, जैसे भी मौत का कारण आता है, उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार के द्वारा सर जो नामजद रिपोर्ट कराई गई है, तो उसकी क्या कार्रवाई की गई है? घासी के नाम से सर? नहीं नहीं, नामजद उसमें मृत्यु की रिपोर्ट कराई गई। किसकी? कि मतलब डुली चंद काम करने गया था और मारने की रिपोर्ट नहीं, कि मारपीट की थोड़ी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, उसके खेत में गया था? हाँ, खेत में गया था और क्या कहते उसके द्वारा घर में लाकर बेहोशी हालत में छोड़ा गया, ये रिपोर्ट है। तो उसकी जांच का विषय है, वो तो जांच में जो आएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उन लोगों परिवार का कहना है कि हमने रात में रिपोर्ट लिखाए थे और पुलिस रात में आई नहीं और बॉडी को अपने अभिरक्षा में नहीं लिए, इस बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं, रात में उनने 9 बजे करीब रिपोर्ट लिखाया था जी। तो रात में पंचनामा, चूँकि सूर्यास्त के बाद 100 का पंचनामा नहीं होता, होता नहीं, और उसके अलावा क्या कहते जब पंचनामा नहीं होता, और इसलिए कोई कार्रवाई रात में हुई नहीं। प्रातः सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे पुलिस पहुंच गई थी और कार्रवाई चालू कर दी। यानी मर्ग काम कर जांच में चालू है? हाँ, मर्ग में है और जांच में चल रहा है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई, जो भी निष्कर्ष आता है कैसे मृत्यु हुई उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की। खबर समय जगत के लिए खैरलांजी से कृष्णा बहेटवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.